नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश भर में एक साथ फिट इंडिया के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। देश की जनता को स्वस्थ और फिट रखने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश भर में एक साथ फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजन किए गए। कैथल के सर छोटूराम इंडोर स्टेडियम में युवाओं ने एक साथ मैराथन दौड़ में भी भाग लिया। इस अवसर पर SDM विवेक चौधरी और DSP रविंद्र सांगवा ने हरी झंडी दिखाकर के मैराथन दौड़ की शुरुआत की। सैकड़ों छोटे बच्चे और युवा लड़के लड़कियों ने बड़े उत्साह के साथ मैराथन में भाग लिया। ये मैराथन दौड़ कैथल के सर छोटूराम इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर अम्बाला रोड पर होती हुई सर छोटूराम चौक कुरुक्षेत्र रोड होते हुए सेक्टर 20 के मुख्य मध्य मार्ग से गुजरकर अम्बाला रोड पर वापस स्टेडियम पहुंची। वहीं इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए SDM विवेक चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि पूरे देश की जनता स्वस्थ और फिट रहे, जिससे पूरा देश खुशहाल और मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा कि अपने आप को स्वस्थ और फिट रखना चाहिए, व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। हरियाणा के युवाओं को तो अपने कुशल स्वास्थ्य और फिटनेस का परिचय देश में नहीं देने की ज़रूरत, बल्कि उन्होंने पूरे देश और पूरे विश्व को उनको दिखाया है कि हरियाणा के बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अनेक प्रकार के पदक प्राप्त किए हैं, जिसने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश भर में एक साथ फिट इंडिया कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। आज भी तक्षशिला गुरुकुल में आयोजित किया जाएगा। आज इस मैराथन दौड़ को यहाँ छोटा मंडल स्टेडियम से झंडी लेकर रवाना करेंगे और उनके साथ जितने भी यहाँ पर गणमान्य जो यहाँ पर यही वो खिलाड़ी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, जो कल को इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और इसी बीच हमारे मध्य पहुँचे। साफ दिखता है यहाँ पे, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। देखो छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इसे तो फिटनेस के लिए ये जो आपकी अवेयरनेस है, ये जो आपकी जागरूकता है, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा प्रांत स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत अच्छी है, जिसके चलते जो है कई ऐसे स्पोर्ट्स कई ऐसे गेम्स जो पहले जो है लगभग खत्म हो जाएगी। छोटूराम चौक से सीधा डांड रोड पर होती हुई सेक्टर 20 की मुख्य सड़क वापस यहाँ पर आएंगे। आप सबकी रिप्लेसमेंट का प्रबंध यहाँ पर किया गया है तो साइड भी चलती रहेगी जैसे आपको बताया हमने, तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि इन खिलाड़ियों को लाइन अप कर दें ताकि हम लाइन अप कर सकें। हाँ तो आप सभी खड़े हो गए, मुझे गेट पे आ जाइए, आप सभी लाइन बना दीजिए। Thank you.
अंकित। ये जो मेडल्स लेने की जो हमारी जो आदत है, ये आदत मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में और बढ़ती ही जाएगी। और आप में से भी मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई जो है मेडल जरूर लेके आएगा आगे जो है। और वो पुरानी बातें हो गई हैं कि भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो खेल कूद से भी आप नवाब बन सकते हो। तो मैं आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि बहुत आगे बढ़ो, अपने गेम को अपने स्पोर्ट्स को बिल्कुल उसी तरीके से पकड़ लो जिस प्रकार से पढ़ाई की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आप अपने गेम्स को पकड़ लो। धन्यवाद। ये मोदी जी की बहुत ही अच्छी सोच है कि हमारा हर नागरिक फिट रहे। अगर नागरिक फिट है तो हमारा समाज फिट है, समाज फिट है इंडिया फिट है, जिस कारण हम कहीं भी हम लोग हर जगह फिटनेस से जुड़ता है, हम कहीं भी मार नहीं खाएंगे। और आज ध्यानचंद जी का जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनका आज जन्मदिन है, उस पल से में फिट इंडिया का प्रोग्राम साथ रखा है। तो ये बहुत ही जो मुहिम चलाई है, इसमें अगर हम लोग कामयाब हो गए तो हमें अपने जितने अस्पताल हैं वो जरूर एक दिन बंद करेंगे और हम लोग हमारा इंडिया सेहत की तरफ बढ़ेगा, अग्रसर होगा और हम आगे तरक्की करेंगे। इसी कारण आज उनको हम हर साल जा करते हैं कि जो हमारे प्लेयर हैं, हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे शिक्षा ले सकें, उनके पदकदम पर चल कर देश का नाम रोशन करें। और उन्होंने तो बहुत ही ऊंची उपलब्धि हासिल करी है। उनको तो हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता था, इसलिए इसी के उन्हीं को ही मुख रखते हुए बच्चे उनकी पदों पर चलें और उनको पालना करें, इसलिए हम इनको मनाते हैं। बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। आज का युवा नशों में ख़राब हो रहा है, अपनी पीढ़ी जो नई पीढ़ी है वो नशे शराब और चीज़ें सेवन कर रहे हैं, और वो अपना ग्राउंड में आएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और नाम देश का नाम रोशन करेंगे, इंडिया का नाम रोशन करेंगे और अपने बुराइयों से दूर बचे रहेंगे। तो सभी बच्चों के कहूँगा कि आप छोड़ दो मोबाइल वगैरह, इससे मानसिक परेशानियाँ उठती हैं और ग्राउंड में आए, खेलें, फिट रहें। धन्यवाद। अपने प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, इससे अपने यूथ पावर और भी मजबूत होएगी, इससे अपने बच्चे जो आजकल ड्रग्स की साइड भाग रहे हैं वो रुक जाएंगे और अपना अच्छी तरीके से फिट रहेंगे। अब यूथ फिट होएगा तो अपना आगे इंडिया भी फिट रहेगा। तो आज हमारे पूरे के जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा किया गया और मैराथन रेस होगा। फिट इंडिया मूवमेंट है, बहुत ही एक अच्छी सोच है। इसके पीछे
जो प्रधानमंत्री है वो ये चाहते हैं कि हमारे देश के युवा अच्छे रहें, फिट रहें, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ सके, यही है। देश हाँ फिट, अगर देश का युवा फिट रहेगा तो देश भी हमारा आगे बढ़ेगा, वो देश के जो है यही योजना है, जो हमारे देश के लोग हैं वो फिट रहेंगे। योग फिट इंडिया मूवमेंट चलानी चाहिए, यह अच्छी। हाँ अगर देश का युवा फिट रहेगा तो सारा देश ही फिट रहेगा।